आज हम लोग पर्यायवाची शब्द सीखेंगे पढ़ेंगे। कौन सा शब्द पढ़ेंगे? सबसे पहले परिभाषा आप देखिए ध्यान से। एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्लियर है? जैसे वृक्ष पर पक्षी विश्राम करते हैं, यहाँ वृक्ष वृक्ष को पेड़ भी बोलते हैं, बोलते हैं ना, दरख्त भी बोलते हैं, उसी तरह पक्षी चिड़िया भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, खग भी बोलते हैं, विश्राम विश्राम को और क्या बोलते हैं, आराम बोलते हैं ना। इसी तरह आगे देखते हैं, आज मेरे घर मेहमान आए हैं, घर यहाँ पर है, घर को और क्या बोलते हैं, मकान गृह आवास बोलते हैं ना। उसी तरह मेहमान को अतिथि भी बोलते हैं, पहुना भी बोलते हैं ना। तो उस मेहमान को अगर पहुना बोलेंगे तो अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी तरह घर को गृह बोलेंगे तो अर्थ में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही शब्द है। जैसे आग, आग को अग्नि भी बोलेंगे तो भी चलेगा, अनल भी बोलते हैं, ज्वाला भी बोलते हैं और पावक भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब आग का ही दूसरा नाम है। उसी तरह आग नेत्र भी बोलते हैं, दृष्टि भी बोलते हैं, नयन भी बोलते हैं और चक्षु भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं सर? आग को। इसी तरह घर गृह भी बोलते हैं, आवास भी बोलते हैं, कुटी भी बोलते हैं, धाम भी बोलते हैं, सदन शाला और भी नाम है इसका। तो ये सब समानार्थी शब्द है, इसको पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। समझ में आ गया? यस सर।